हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कुल 70 एजेंडा आइटम शामिल किए गए। बैठक में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया है। साथ ही हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। वहीं अब महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50% की छूट मिलेगी। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट का फैसला, जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को की थी, उस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। और ये फैसला अब प्रदेश में इम्प्लीमेंट होगा, महिलाओं को 50% किराए में छूट रहेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs जिनको बोलते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में FPOs बनाने के निर्णय को भी अपनी सहमति जो है वो प्रदान की है। FPOs केंद्रीय सहकारिता मंत्री के निर्णय अनुसार NABARD के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कुछ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक योजना कृषि विभाग में कृषि कोष की भी इसी प्रकार के FPOs बनाने की है। पर्पजेस डिफरेंट हैं और उसके नॉर्म्स भी अलग अलग हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर उन नॉर्म्स के मुताबिक जो 100 किसान इकट्ठे होकर के FPO बनाएंगे वो यहां पर जो है संभव नहीं है बहुत सारे ब्लॉक्स में। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्णय हुआ है वो सहकारिता में कोऑपरेटिव सोसाइटी एनरोल कर के जो है वो FPO बनाए जाएंगे। उनके एनरोलमेंट के बाद जो है वो धीरे धीरे उसमें 100 का लक्ष्य जो है प्राप्त किया जाएगा। और फिर जो प्रदेश के जो कृषि क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल CA स्टोर्स हैं जिसमें 1-2 लाख ज्यादा भी पेटियां जो है रखी जा सकती हैं, लेकिन उसका खर्चा भी ज्यादा आता है और मार्केटिंग भी कई बार जो छोटा ग्रोअर है उसके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होती है। उसमें बड़े बड़े जो मिशन एजेंट्स हैं या बड़े ग्रोअर्स हैं वही उसमें रख सकते हैं। इसलिए 100 किसानों का, बागवानों का एक FPO बने, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो इस प्रकार के स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, उसके लिए जो मैनेजरियल असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट की घोषणा भी थी। इसको इम्प्लीमेंट करने के निर्णय पर जो है वो आज मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति जो है वो जताई है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जो आज कैबिनेट ने लिया है
उसमें मुख्यमंत्री बाल संपोषण योजना, सपोषण पोषण का सपोषण योजना, ये 65 करोड़ रुपए की फंडिंग के प्रावधान के आधार पर जो है वो पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी। इसमें जॉइंटली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वो काम करेंगे, जिसमें महिला व बाल विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक जो शिक्षा विभाग है, इन तीनों के जॉइंट एफर्ट्स से ये मुख्यमंत्री सपोषण योजना प्रदेश में जो है वो काम करेगी। सरकार का विशेष रूप से उद्देश्य है कि हम अपने जो बच्चे हैं प्रदेश में उनका जो है वो बीमारियों से जो है वो उनको बचपन में जो है वो राहत मिले, मेल न्यूट्रिशन की जो एक पूरे प्रदेश में सारे देश भर में जो है वो प्रॉब्लम जो है समस्या है उसका निराकरण करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जो है वो काम किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से एक जन आंदोलन के द्वारा ये काम करेगी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य और प्रेग्नेंट वुमेन है उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो कार्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के ज्वाइंट एफर्ट से जो है वो किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।